आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अभी जी सोयाबीन देख रहे हैं कि 1680 से 1690 के दायरे में ट्रेड करती नजर आ रही है यूएस सोयाबीन की। अगर बात की जाए वहीं पे सी का बयान आया था कि जो उत्पादन अनुमान है, जो प्रोडक्शन एस्टीमेट है, वो गवर्नमेंट के प्रोडक्शन एस्टीमेट से थोड़ा कम रहेगा। तो ऐसे में अब सोयाबीन के प्राइसेस आगे क्या रहेंगे? जी अब देखिए, मेरा मानना है कि जो मेजरली एग्री कमोडिटीज में हम एक्सपोर्ट बैंक से बात कर रहे हैं, काफी सारी एग्री कमोडिटीज, उसके चलते सेंटिमेंटली फिलहाल जो भारतीय बाजारों में प्राइसेस हैं अक्रॉस द बोर्ड आज नरमी दिखाई दे रही है, या पिछले एक या दो सेशन से मैं कहूंगा कि नरमी का रुख है। बेसिस मेरा मानना है कि सोयाबीन हो या रिफाइंड ऑयल हो, उसमें नरमी के आसार दिखेंगे। भारतीय बाजारों में ये हो सकता है कि हम 7000 के नीचे भी मोमेंटरीली जो है सोयाबीन प्राइस को स्लिप होता हुआ देख सकते हैं। वही रिफाइंड ऑयल हो सकता है 1530 से 1520 तक जाता हुआ देखेंगे। लेकिन हालांकि मैं पोजिशनली इसे करेक्शन मानता हूँ, और ओवरऑल अगर मैं 2 से 3 महीने का रुझान देखूँ तो मुझे लगता है कि दोबारा हम 7700 से 800 तक जा पाएंगे। लेकिन इस हफ्ते की बात करूँ या इसी के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ कि फिलहाल जो रुख है वो नीचे की तरफ जा रहा है। जी, टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।